आदरणीय दिनशा जी पटेल जी, श्री प्रवीर कुमार, श्री एचपी कुमार, डॉक्टर चतुर्वेदी, डॉक्टर विलियम्स, मिस्टर सेसिल, प्रोफेसर अनुपम एंड प्रोफेसर कार्तिक और आदरणीय गण जो बहुत दूर दूर से आए हैं सर्दी की ठंड में, धुंध में, जहां रास्ता नहीं दिखता वहां भी आप रास्ता देख करके रास्ता और आगे देखने के लिए आए हैं। आज श्री दिनशा जी पटेल जी ने बहुत दिल से कहा, जो भी कहा दिल से कहा, और जो दिल की आवाज़ होती है वो हमेशा अपने गंतव्य तक पहुंचती है। दिल की आवाज़ समाज में, सोसाइटी में चेंज लाती है, और वो जो चेंज और जो एक अच्छा काम एक सोसाइटी में या देश में होता है वो दिल की आवाज़ से ही होता है। अच्छा वैल्यू सिस्टम, अच्छे मूल, अच्छे सिद्धांत जिंदगी की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हिंदी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते, तो आप देखते हैं कि मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कभी कभी राइट वर्ड्स नहीं आते और हमको पता नहीं लगता कि कब हम हिंदी से इंग्लिश में आते हैं, हिंदी इंग्लिश से हिंदी में आते हैं। एक प्रोफेसर अभी हमारे ऑफिस में आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, और उन्होंने भाषाओं पे बहुत रिसर्च करी है, और उनसे बात करते करते बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ निकली कि दैट जो भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, उन कंट्रीज़ में जो अपने देश की जो भाषा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस देश का कार्य चलाने में, वो अपनी देश की भाषा में उन्होंने रखी। और कुछ कारणों से, मैं उन कारणों में नहीं जाऊंगा, हमारे इस देश की सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इस देश को बांध करके रख सकती हैं, इस देश को आगे और तेज़ी से लेकर के जा सकती हैं, हम लोग दूसरी भाषाओं में करने लगे हैं। ये चीज़ आज श्री दिनशा जी पटेल ने जैसे कही, मेरे को बिल्कुल इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। और अपना, मैंने सर 10वीं कक्षा में मैंने हिंदी लिटरेचर लिया था, केवल इस चीज़ के लिए, क्यों मालूम नहीं कि दैट मुझे अपनी भाषा और मेरे को अपना कल्चर, समाज और अपने जो सारी चीज़ें हैं उनको समझना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपना कार्य जो है एक छोटी कंपनी में स्टार्ट किया, 87 DISIDC शेड्स ओनिडा में, ओखला फेज में, फिर बड़ी कंपनीज में चले गए, वहाँ से बाहर चले गए, फिलिप्स, इलेक्ट्रोलक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया। लेकिन एक दिल के अंदर हमेशा ये रहा कि जो हमारा देश है, हमारा देश छोटे, लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों का देश है। हमारे जो फिगर्स गवर्नमेंट के कहते हैं कि दैट 2.5 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, मेरा ये मानना है कि अगर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखें कि एक किसान भी एक उद्यमी है, एक छोटा ट्रेडर, एक छोटा दुकानदार भी एक छोटा उद्यमी है, सूक्ष्म उद्यमी है, और अगर ये सारे फिगर आप मिला लेंगे तो एक्चुअली हमारे देश में मेरे अंदाजे से कम 90 से 95% तक जो उद्यमी हैं वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम में आ जाएंगे। और वही फिगर जब हम देखते हैं, इवन आज इंग्लैंड में या यूके में वो फिगर पब्लिश करते हैं, 98% उद्योग जो है वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम है। हमारे देश में भी वही है, लेकिन हम डेफिनेशन अलग तरीके से देखते हैं। हमने सर जब 3 साल पहले अपनी मिलाग्रो स्टार्ट करी, तो मैंने बड़ी कंपनी से स्टेप किया अपनी ये छोटी कंपनी स्टार्ट करने में, और मैंने एक चीज़ की कसम खाई कि ना तो मैं किसी से उधार लूँगा, ना किसी का उधार रखूँगा, ना किसी बैंक के पास जाऊँगा। एक जैसे छोटा उद्योग स्टार्ट करता है वैसे ही मैं अपनी कंपनी चलाऊँगा, और आज तक मैं वैसे ही चला रहा हूँ। लेकिन मैं इस विश्वास से उतरा कि मेरे को इतना सारा 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत
समझ है कि छोटा उद्योग कैसे चलता है। पहले 2 या 4 महीने में मैंने समझ लिया कि मेरी जो नॉलेज है छोटे उद्योगों के बारे में 4 या 5% से ज्यादा नहीं है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। इंडिया बहुत ही एक बड़ी कंट्री है जिसको कहीं ना कहीं मैं बड़े कॉन्फ्रेंस रूम्स और एयर कंडीशन एनवायरनमेंट्स में और बिजनेस क्लास के ट्रैवल में और इंटरनेशनल ट्रैवल में मैं भूल गया था। तो मैंने अपनी 25वीं सालगिरह सर, जो अपनी 25वीं कार्य करने की सालगिरह, मैंने सोचा मैं एक मेरठ के एक छोटे से क्लस्टर में जाकर के बिताऊं। मैं अपने दोनों बच्चों को भी साथ ले गया, अपने ऑफिस के लोगों को भी साथ ले गया और उसको मैं कहता हूं शोध यात्रा, जो एक छोटे उद्योगों को समझने की शोध यात्रा। मैंने सर वहां एक सीजर क्लस्टर के लोगों के साथ टाइम बिताया और उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करी। सीजर क्लस्टर, सीजर्स में इंडिपेंडेंस से पहले भारत 35% 36% तक का मार्केट, वर्ल्ड का मार्केट कंट्रोल करता था। उस समय वो 60 या 65 तरीके के सीजर्स बनाते थे, घोड़े के बाल काटने के सीजर बनाते थे, नाक के बाल काटने के सीजर बनाते थे, कारपेट को काटने के सीजर बनते थे। और इंडिपेंडेंस के बाद कहीं ना कहीं हमसे वो सेक्टर पीछे छूट गया। आज वो सेक्टर केवल 10 करोड़ की टर्नओवर करता है। जो मार्केटिंग है वो भूल गए, लेकिन उन्हीं के कुछ जो बच्चे थे जिन्होंने वो सेक्टर क्लस्टर स्टार्ट किया था, उन्होंने मुझे 100 साल पहले की किताबें दिखाई, लिटरेचर दिखाया, जिसमें ये लिखा हुआ था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि कहीं पर अगर जंग लगे तो बिना पूछे आप सामान वापस भेज दें, और वर्ल्ड से उनके पास सामान और ऑर्डर आते थे और वो धंधा करते थे।